हे गाइस वेलकम टू एक्सर ट्यूटोरियल चैनल एंड एपिसोड नंबर सेवन ऑफ पावर क्वेरी मास्टर क्लास सो इस क्लास में हम कवर करेंगे ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जांपल इन पावर क्वेरी इसके क्या फीचर्स होते हैं इसके क्या लिमिटेशंस हैं हम इसको थोड़ी डिटेल में करेंगे देखते इस वीडियो आप को आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए क्योंकि आने वाले दिनों में हम पूरी पावर क्वेरी को कवर करने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं तो ये जो आपके सामने है तो दो टेबल आपको दिख रहे होंगे जो कि मैंने पिछली कुछ क्लासेस में कवर किए हैं फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पजेज ये है मेरे पास प्रोडक्ट आई इसको मैं थोड़ा सा लेआउट चेंज कर लेता हूँ और लाइक uh, दिस like ताकि थोड़ा रीडेबल हो सो एड कॉलम बाय एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है मैं पूरी पावर क्वेरी को कॉल करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ डाटा जैसे आपने फ्लैश फिल वीडियो मेरी देखी होगी तो उसमें आपका अगर आपको कुछ डाटा को मॉडिफाई करके एंड ऑटोमेटेड रिजल्ट्स चाहिए लाइक फॉर एग्जांपल कि मुझे प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम को दोनों को मुझे मर्ज करना है राइट तो वो भी हमने पिछले कुछ वीडियो में किया है कि कैसे हम कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ अ पेंट फंक्शन इन पावर क्वेरी तो पेंट से हम कर सकते हैं इजिली बट अगर आपको जानिए कि कुछ प्री फिक्स आपको ऐड करना है लाइक जैसे कि प्रोडक्ट आई डी ज़ीरो थ्री इज इक्वल टू चेयर ऐसा कुछ ऐड करना है या फिर आपको कुछ लिखना है कि चेयर प्राइस ऑफ चेयर इज़ फिफ्टी एंड वो चीज़ आप अ, अलग कॉलम बनाकर और उसमें सारा फिल करना है एकदम से तो आपको फ्लैश फिल से भी कर सकते हैं और पावर कल इसे एक बटन से कर सकते हैं फ्लैश फिल का क्या होता है कि मतलब आपके जो सेलेक्टेड होते हैं कुछ यानी कि लिमिटेशंस भी होती हैं उसकी इसमें लिमिटेशंस ज्यादा नहीं है बट हैं कुछ है एज यूजल बेस्ट प्रैक्टिस ये मानी चाहती है आपके जितने भी टेबल होते हैं उसका नेम जरूर कर दीजिएगा नेम करने के लिए क्या करते हैं टेबल डिजाइन में जाकर जो भी आपने जो टेबल हमने सेलेक्ट किया है उसको आप नेम जरूर कर दीजिएगा ठीक है उसके बाद डेटा डेटा के बाद जो फ्रॉम टेबल एंड रेंज ऑब्वियसली एंड इसमें हमारे पास ये सारा कुछ कॉल कर दिया हमने क्वेरी तो इसके बाद हम करेंगे क्या क्या तो इसके बाद में है 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 कि हमें ना फर्स्ट जो जो हमने चीज करनी है, वो करनी वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट एंड नेम उसको हम मर्ज करके लिखना चाहते हैं जो भी हमारा स्टाइल है उसमें तो इसको मर्ज करने के लिए क्या करेंगे हम जो ऐड कॉलम जो सेक्शन है पावुखरी में तो कॉलम फ्रॉम एग्जांपल पे हम क्लिक कर देंगे तो कॉलम बाय एग्जांपल हम जब क्लिक करेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि एक और कॉलम हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है नेम है प्राइस है स्टेट है जितने भी हमारे पास कॉलम थे वो ऐड हो चुके हैं राइट तो हमने जो कॉलम क्रिएट करना है अगर जिस भी फंक्शन से आप सिलेक्ट करना चाहते हो ये यह मेरे यहाँ पर पूरी सिलेक्शन हो चुकी है अगर मुझे कोई कॉलम सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरे पास जो कुछ कॉलम्स होते हैं वहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो सेम हो जाती है जैसे कि यहाँ पे मेरा चेयर होगा यहाँ पे लिखा होगा कि चेयर क्वांटिटी है या फिर चंडीगढ़ है यहाँ पे भी चंडीगढ़ लिखा हो सकता है उसमें वो काउट्राडिक्ट कर जाता है आगे जाकर वो कैसे करता है ये भी एक फ्लैश फिल टाइप ही है बट उसका एक ऑल्टरनेटिव आपको मिल जाता है पावर क्वेरे में तो इसको मैं करता हूँ अगर अगर मैं बेसिक सी चीज़ करूँ यहाँ पर अगर वर्क अराउंड करना हो मैं ये कर रहा हूँ कि थ्री चेयर ये मैं कर रहा हूँ इसमें क्या किया है मैंने कि जो प्रोडक्ट आईडी है उसका जो नाम क्या है प्रोडक्ट आईडी का चेयर ठीक है वैसे आप देख लो कि यहाँ पर सारा आपको एक प्रिव्यू मिल जाता है ट्वेंटी तक कि कौन कौन सी प्रोडक्ट आई का कौन कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है एक तरह से प्रिव्यू दे, दे देगा कि ये ठीक है ये प्रिव्यू इसलिए देता है कि आपको कुछ चेक कर सकें कि ये ठीक भी है या नहीं अब सोचिए कि आपको कुछ प्रीफिक्स करना है प्रीफिक्स क्या होता है कि मतलब कुछ भी आपको जो भी डाटा है उसके आगे कुछ लिखना हो जैसे कि मैं यहाँ पर टें जो है वैल्यू रखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा ज़ीरो ऐड कर दूँगा उसके आगे ठीक है ज़ीरो ऐड करने के बाद मैं एंटर करूँगा तो सबके आगे ज़ीरो 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 ऐड हो जाएगा सिमिलरली अगर मैं इसको डिलीट करूँ अगर मैं कुछ और चाहूँ अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं लाइक प्राइस ऑफ चेयर इज फिफ्टी प्राइस ऑफ चेयर इज इसमें क्या होगा जो मेरे प्री क्रिक्वस्ट हैं कि जैसे कि प्राइस है मेरा इसमें ऑफ प्राइस ऑफ एक मैंने एड किया एन इज बाकी जो है चेयर और फिफ्टी पहले से ही एडिड है राइट right. अगर मैं इसको क्लिक करूँ ठीक है एंटर uh, करूँ उसके बाद आप देख रहे हैं कि जैसे ही प्रिव्यू में सारी चीजें वही वही आ जाएंगी देखें और ये आपको हाईलाइट भी कर देगा कौन कौन सा इसमें हमने सिलेक्शन की है एंड अगर हम इसमें कुछ और सिलेक्ट करें प्राइस ऑफ चेयर इज फिफ्टी इन चंडीगढ़ तो एक चीज़ हमने और ऐड कर दी जो कि हम वेयर हाउस सिटी को हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है राइट अगर हम इसको थोड़ा सा देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये साथ साथ वो चीज़ें ऐड होती जाती हैं स्टेट भी ऐड करनी है तो वो भी इजीली हो जाएगी होप आपको यहाँ तक समझ आयोग कि इसका फंक्शनैलिटी क्या है एड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल ये एक तरह से आपको फ्लैश फिल वाली फीलिंग दे देता है क्या है कि इसमें गलतियों के भी काफी आसार रहते हैं वो कैसे रहते हैं वो मैं अगली एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा इसको मैं कैंसिल करता हूँ एंड क्लोज कर देता हूँ अब यहाँ पे मैंने एक और चीज़ है समझे कि ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास वैल्यूज थी राइट right? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज़ थी यहाँ पर अगर आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं ऐसे जिसमें यू you नो know, काफ़ी सिंबल्स हैं लाइक हाईफन कॉमा और ब्रैकेट्स एंड ऑल तो अब क्या करेंगे उसमें वैसे मैं इसको टेबल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और वैसे ही कॉल करूँगा अब तक तो आपको पता लग गया होगा कि हम पावर क्वेरी को कॉल कैसे करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास है ये चीज़ एड कॉलम फ्राम एग्जाम्पल से ही सलेक्शन करूंगा तो इसमें क्या है कि यहाँ पर मेरे पास जैसे ये भी मेरी सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि लेट्यूस ये जो हाइफन रेडी छियो दिया हुआ है प्रोडक्ट है उसके एक तरह से हमने डिस्क्राइब किया हुआ है उसकी आगे जैसे कि लेट्यूस फ्राइसी लाइक टाइप ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट आगे हमने उसको किया हुआ है तो इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे हमने कुछ चलो लेटी उससे हम स्टार्ट कर देते हैं तो एक तरह से उसने जो फर्स्ट लेटर है जो भी फर्स्ट लेटर है वो सब ले लिया है राइट बट हमें कहाँ तक चाहिए हमें चाहिए कि देखिए यहाँ पे तो उसने वाइन ला चलो वाइन हमने कर लिया इट्स फाइन कि चलो वाइन की एक फॉर्म होगी पर वाइन उसका ही एक हेडर होगा राइट तो हम अगर नीचे जाएँ तो कार्बोनेटेड यहाँ पर सिर्फ कार्बोनेटेड लिखा हुआ है अगर कुछ यानी अगर आपको ये कार्बोनेटेड वाटर भी लिखना है तो मैं वो भी लिख देता हूँ तो इसमें क्या किया इसने इसने पूरा का पूरा इसने नाम ले लिया जो कि फाइन हमारे लिए राइट इसकी कोई यानी हाईफन डाल के इसका कोई हमने कोई कैटेगरी नहीं डाला है ठीक है कार्बोनेटेड वाटर अब देखिए एक इसने फॉर्मेट इसने कॉपी कर लिया है कि हमें जितने भी हाईफन से पहली चीज़ें हैं वो सारी इसने कॉपी पेस्ट कर दी है अगर आप देखेंगे कि कार्बोनेटेड वाटर यहाँ पे आइलैंड था अब आइलैंड ओएसिस भी हो चुका है ये कैसे होता है कि अगर आप एक फॉर्मेट पावर क्वेरी को बता देते हैं कि आपको किस फॉर्मेट में चाहिए वो उसी एग्जांपल से किस तरीके से वो पूरा फॉर्मेट आपका कॉलम में तैयार कर देता है ये तो रहा एक एग्जांपल ठीक है अगर मैं इसमें ही लेट्यूज वन एग्जाम्पल रेडिश्यो है तो मैं डाल देता हूँ जस्ट वन एल्फर्बेट फ्रॉम द लेटर जो भी हमारे कैटेगरी है लाइक रेडिश्यो फ्रेश विडा जो भी है तो उसको हम क्या कर रहे हैं एक सिर्फ अल्फाबेट डाल रहे हैं टू डिनोट आ कैटेगरी तो हम इसमें अगर एंटर करते हैं तो ये देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे पास वो चीजें क्लैश होना ही शुरू कर देती हैं ये चीज है ये चलो ब्लैक टाइगर तक ठीक है एक तरह से हमने पावोकारी को बताना है कि कुछ फॉर्मेट यहाँ पर फॉलो करो तो मैं बी लिख देता हूँ यहाँ पर ठीक है देखते हैं कुछ फॉर्मेट फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है जी ज़रूर हो रहा है ठीक है बट यहाँ पे गलतियां बहुत हो रही हैं तो इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे डी यू तक ही चाहिए फिर मैंने क्लिक किया ये है डिलविड तो इसका भी मुझे फर्स्ट चाहिए डिलविड फ्रेश ये देखिए कहीं ना कहीं वो चीजें यहाँ पर बिल्डअप होनी शुरू हो जाती हैं अब वाइन है ठीक है वाइन का मुझे सिर्फ चाहिए वी ये चीजें आपको तब तक फॉलो करनी होगी जब तक कि फॉर्मेट को फॉलो करवाना चाहते हैं वो हो जाए अब देखिए कि अब लिमिटेशंस की जो बात आती है तब यही है अगर आपके पास कुछ मेजदब चीज़ें होती हैं ये चीज़ ठीक है जैसे कि ये मेजदब चीज़ है हमने पहला अल्फाबेट ले लिया था लेट्यूस वगैरह ठीक है बट जैसे कि आपके पास सिम्बल्स ऐड होते जाते हैं कॉमज ऐड होते जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी यहाँ पर दिक्कतें महसूस होनी शुरू हो है जाती हैं तो ये है इसकी कुछ वन ऑफ़ दी लिमिटेशंस यहाँ पर इससे वर्क करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है होप आपको समझ आया होगा कि कहाँ कहाँ पे ये यूज़ हो सकता है और कहाँ कहाँ पे इसके लिमिटेशंस रॉइज़ हो सकती हैं ठीक करने को तो हम इसको भी ठीक कर सकते हैं जैसे जैसे करके बट वो है कि वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है इसलिए यहाँ पर ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं होती है यू हैव टू फाइंड दी ऑल्टरनेटिव तो आपको ऑल्टरनेटिव मेथड ही फाइंड करना पड़ता है क्योंकि ये तो मेरे सिर्फ 15 एंट्रीज़ हैं यहाँ पर बट आपके पास इससे भी ज़्यादा हो सकती है आपके पास 20 हो सकती है 25 हो सकती है लाइक like, और थाउजेंड्स में हो सकती हैं तो वहाँ पर ये चीज़ काम नहीं आती है होप आपको पता लगा होगा की एड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल होते गए उसकी क्या फंक्शनलिटी है उसके क्या डिफरेंसेज हैं, उसके क्या लिमिटेशन है ये आपको इस वीडियो में समझ आया हो अगर आपको आया तो जरूर लाइक कीजिएगा कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर आपको कुछ क्वेश्चन है दिमाग में शेयर जरूर कर दीजिएगा आपको लगता है कि ये जो वीडियो है किसी को काम आएगी बने रही इस चैनल में मिलते हैं अगली वीडियो ऑफ पावर क्वेरी जल्द ही तब तक के लिए धन्यवाद